बच्चों आज का चैप्टर है लाजवाब उत्तर, चैप्टर 8। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ध्यान से सुनिए और समझिए। लिखा है, पुराने समय में राजा महाराजाओं की सभा में अनेक विद्वान होते थे, जो कठिन से कठिन प्रश्नों के उत्तर पलक झपकते दे देते थे। इस पाठ में राजा की सभा में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर विद्वानों ने नहीं, किसी और ने दिए। किसने दिए, आइए पढ़ें। ठीक है, तो ये चैप्टर हमें इसलिए पढ़ना है कि हम ये जानना चाहते हैं कि ऐसा कौन सा राजा था, ऐसी कौन सी सभा थी कि वहां के जो विद्वान लोग थे उनको प्रश्नों के उत्तर नहीं आए, और उन प्रश्नों के उत्तर किसने दिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखा है, पहला दृश्य मतलब जैसे ही ये स्टोरी स्टार्ट होती है तो सबसे पहला जो सीन था वो क्या था। देखिए, पहले सीन में सीन दिखाया गया है, राज्यसभा में सभी सभासद और राजा अपने अपने आसन पर विराजमान हैं। विराजमान मतलब बैठे हैं, आसन यानी कि अपने अपने प्लेस पर। द्वारपाल यानी आपका वो चौकीदार, ठीक है, प्रवेश करता है और द्वारपाल क्या कहता है, महाराज की जय हो, महाराज 3 अतिथि सभा में आने की आज्ञा चाहते हैं। राजा ने बात सुनी और राजा ने क्या कहा, आज्ञा है, उन्हें आदर के साथ सभा में लाया जाए। द्वारपाल जाता है, उसके साथ 3 अतिथि प्रवेश करते। ठीक है, अतिथि अतिथि यानी कि गेस्ट। महाराज की जय हो, महाराज हम आपके पड़ोसी देश से आए हैं, हमने आपकी राज्यसभा के विद्वानों की बहुत बहुत के आगे थोड़ा सा स्क्रॉल अप करना पड़ेगा, ओके, बहुत बहुत के आगे क्या लिखा है, चर्चा सुनी। चर्चा यानी कि लोग बात करते हैं कि भाई उन राजा के पास बहुत अच्छे विद्वान, आपके राज पंडित स्वयं बहुत बुद्धिमान ज्ञानी विद्वान व्यक्ति हैं, हम चाहते हैं कि वे हमारे कुछ प्रश्नों के उत्तर दें। ठीक है, तो वो क्या है, एक तरीके से चेक करने आए कि भाई जो बात फैली हुई है कि राजा के पास बहुत अच्छे विद्वान हैं, क्या वाकई में ऐसा है या सिर्फ ये कहने की बात। ठीक है, तो देखो राजा ने क्या कहा, राजा ने कहा, हाँ अवश्य 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 मतलब श्योर। राजा पंडित की ओर देखकर, पंडित जी क्या आप इनके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए तैयार हैं। राजा ने पंडित जी की तरफ देखा और उनसे पूछा कि क्या आप रेडी हैं, आर यू रेडी टू रिप्लाई द क्वेश्चन ऑफ दीज गेस्ट। ओके, ठीक है, आगे देखिए आगे क्या लिखा है, राज पंडित, तो जो राज पंडित थे वो खड़े हो गए और खड़े होकर उन्होंने क्या बोला, खड़े होकर उन्होंने बोला, जी महाराज, उन्होंने कहा यस सर, राजा आप लोग अपने प्रश्न पूछिए। पहला अतिथि, पंडित जी आप और हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक वस्तु चाहे वह किसी आकार की हो उसका एक केंद्र या मध्य अवश्य होता है, मेरा प्रश्न है कि पृथ्वी का केंद्र या मध्य कहाँ है। ठीक है, राज पंडित इधर उधर देखते हैं, यानी कि राज पंडित को इस प्रश्न का
जवाब नहीं आ रहा था तो वो इधर उधर देखने लगते हैं। हम भी ऐसे ही करते हैं ना, एग्जाम में जब हमें क्वेश्चन आंसर नहीं आता तो हम इधर उधर देख रहे होते हैं कि कहीं से कोई हिंट मिल जाए, कोई दोस्त कुछ बता दे। दूसरा अतिथि जो सेकंड गेस्ट है इनका, क्या कहता है? वो कहते हैं कि मेरा प्रश्न है पंडित जी कि आसमान में कितने तारे हैं। राज पंडित कुछ देर सोचते हैं, फिर सिर झुका लेते हैं, यानी कि उन्हें सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी नहीं पता। इसके बाद तीसरा अतिथि, अच्छा बताइए मेरी दाढ़ी में कितने बाल हैं। पंडित जी बंगले झांकने लगते हैं, सभा में चुप्पी छाई है। ठीक है, बंगले झांकने लगने का मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा, इधर उधर देख रहे हैं, और जो सभा थी राजा की उसमें पूरी तरीके से सन्नाटा था, यानी कि किसी को भी इन प्रश्नों का कोई आंसर नहीं पता था। अब देखो राजा खुद ही कहते हैं, राजा ने क्या बोला, इतनी बड़ी राजसभा में अतिथियों के प्रश्नों के उत्तर देने वाला कोई नहीं है, यह बड़ी लज्जा और दुख की बात। जो राज पंडित है वो क्या कहते हैं, महाराज क्षमा कीजिए, आप मुझे एक दिन का समय दीजिए, कल इनके प्रश्नों का उत्तर अवश्य दिया जाएगा। ठीक है, राजा क्या कहते हैं, कोई बात नहीं, आपको एक दिन का समय दिया जाता है, आप इनके प्रश्नों का उत्तर कल दे दीजिएगा। ठीक है, तो राज पंडित जो थे उन्होंने राजा से एक दिन का समय ले लिया और राजा ने भी दे दिया, ठीक है आप एक दिन की तैयारी करो और उसके बाद इन प्रश्नों के उत्तर दे। अब देखिए सेकंड सीन यानी कि दूसरा दृश्य, तो दूसरे दृश्य में क्या हो रहा है, अगले दिन राज्यसभा में राजा, तीनों अतिथि और अन्य सभासद उपस्थित हैं। राज्यसभा में सभी कानाफूसी कर रहे हैं, तभी द्वारपाल प्रवेश करता है। और जो द्वारपाल है देखो क्या कहते हैं द्वारपाल, तो द्वारपाल कहते हैं महाराज की जय हो, महाराज द्वारा एक युवक अपने गधे के साथ खड़ा है और सभा में आने की अनुमति चाहता है। राजा आश्चर्य से, क्या गधे के साथ? मतलब थोड़ा सा सरप्राइज है राजा कि गधे के साथ कौन आता है, वो भी सभा में राजा के पास। ठीक है, तभी क्या होता है, तभी एक युवक गधे को लिए सभा में प्रवेश करता है, सभा में फुसफुसाहट बढ़ जाती है, सभी उस युवक की ओर देखते हैं। ठीक है, यहां तक तो बात समझ आई? अब देखते हैं युवक क्या कहता है और क्या करता है। युवक आ गया और युवक ने क्या कहा, ओके, तो युवक कहता है महाराज इस प्रकार बिना अनुमति के सभा में आने के लिए मैं क्षमा चाहता हूं, मैं राज पंडित जी का पुत्र हूं, आपके अतिथियों के प्रश्नों के उत्तर मेरे गधे के पास हैं और द्वारपाल गधे को अंदर लाने नहीं दे रहा था। ठीक है, तो जो युवक था वो राज पंडित जी का पुत्र था और वो बिना अनुमति के अंदर इसलिए आ गया क्योंकि प्रश्नों के जवाब गधे के पास हैं और जो द्वारपाल है वो गधे को अंदर आने नहीं दे रहा, इसलिए मुझे इस प्रकार आना पड़ा। आप अपने अतिथियों से कहिए कि वे अपने प्रश्न पूछें, गधा उत्तर देने के लिए तैयार है। ठीक है, तो है ना थोड़ा सा ह्यूमरस है। राज्यसभा में सभी के मुंह पर मुस्कान आ जाती, राजा अतिथियों से आप अपने प्रश्न पूछिए। ठीक है, पहला अतिथि क्या कह रहा है, पहला अतिथि गधा खड़ा हो गया, पृथ्वी का मध्य कहाँ है? युवक गधे की पीठ पर हाथ रखता है, गधा अपना अपना थोड़ा सा खटा हुआ है, देखते हैं अगर नजर आ जाए। हाँ, अगला पैर जोर से जमीन पर पटकने लगता। ठीक है, तभी युवक कहता है महाराज मेरा गधा कह रहा है कि जहां इसने पैर पटका है
वही पृथ्वी का मध्य है। ठीक है, बात समझ आई? ओके, इसके बाद क्या होता है? इसके बाद पहला अतिथि आश्चर्य से, अरे यह क्या बात हुई, आप कैसे कह सकते हैं कि पृथ्वी का मध्य यहीं पर है। ठीक है, तो देखो युवक क्या कहता है, युवक कहता है कि यदि आपके मन में किसी प्रकार का संदेह है तो स्वयं नाप कर देख लीजिए, यदि पृथ्वी का मध्य तनिक भी इधर उधर निकला तो मैं अपनी हार अवश्य मान लूंगा। ठीक है, तो युवक ने कहा कि भाई ठीक है, अगर आपको डाउट है तो आप खुद मेजर करके देख लो। सभा में जोर कहा ठहाका लगता है, अतिथि चुपचाप बैठ जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए इसके बाद क्या होता है, इसके बाद दूसरा अतिथि, तो दूसरा अतिथि आता है, वो क्या कहता है, खड़े हो, मेरा प्रश्न है कि आसमान में कितने तारे हैं, यही क्वेश्चन था ना उसका। ओके, तो युवक फिर गधे की पीठ पर हाथ रखता है, गधा अपनी गर्दन जोर जोर से हिलाते हुए रैंकने लगता है। युवक, महाराज मेरा गधा कह रहा है कि उसकी गर्दन पर जितने बाल हैं उतने ही तारे आसमान में हैं। ठीक है, तो दूसरा अतिथि, आप यह कैसे कह सकते हैं। युवक, विश्वास ना हो तो गिनकर देख लीजिए। दूसरा अतिथि, गधे के बाल भला कैसे गिने जा सकते हैं। ठीक है, तो इस पर युवक का आंसर था, देखिए युवक ने कहा कि तो आप ही कहिए कि आकाश के तारे कैसे गिने जा सकते हैं। और इसके बाद एक मिनट, तो सभी सभासद हंसते हैं, राजा भी मुस्कुराते हैं, अतिथि सर झुकाकर बैठ जाता है, यानी कि दूसरा अतिथि भी सेटिस्फाइड। अब देखते हैं तीसरे की बात, तीसरा अतिथि थोड़ा घबराया हुआ अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए, यह बताइए कि मेरी दाढ़ी में कितने बाल। ठीक है, अब युवक क्या कहता है, युवक अपने गधे का कान पकड़ता है, गधा जल्दी जल्दी अपनी दुम हिलाने लगता है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि युवक ने कहा, मतलब गधे ने जो जो भी आंसर दिया, गधे की जो भी एक्टिविटी थी उसको युवक ने एक्सप्लेन किया, क्या कहा, महाराज मेरा गधा कह रहा है कि उसकी दुम में जितने बाल हैं उतने ही बाल इनकी दाढ़ी में हैं, यदि इन्हें यकीन ना हो तो एक 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 के बाद क्या है, एक एक बाल दाढ़ी का उखाड़ा जाए और एक एक गधे की दुम का फिर गिनती की जाए। ठीक है, अतिथि दोनों हाथों से अपनी दाढ़ी छिपाने लगता है, राजा जोर से हंसते हैं और सभी सभासद भी पेट पकड़कर हंसते हैं। ठीक है, जो तीनों अतिथि हैं अब क्या कहते हैं, वो एक साथ घबराए स्वर में, महाराज हमें हमारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए हैं, हमें आज्ञा दीजिए, हम चलते हैं। तीनों जल्दी ही राजसभा से चले जाते हैं। राजा, भाई वाह, क्या लाजवाब उत्तर दिए हैं तुमने, तुमने उनका न केवल मुंह बंद कर दिया बल्कि हमारे और हमारे देश के सम्मान की भी रक्षा की, यह लो अपना पुरस्कार। राजा अपने गले से मोतियों का हार उतार कर युवक को देते हैं, युवक माला लेके, महाराज उत्तर तो मेरे गधे ने दिए हैं, यह चाहता है कि इनाम के बोझ से यह भी लद जाए। ठीक है,
तो जो युवक है वो बहुत चालाक है। राजा हंसते हुए, तुम बहुत चतुर हो युवक। मंत्री जी गधे को स्वर्ण मोहरों की बोरी से लाद दिया जाए, ठीक है? पर्दा गिरता है। तो समझ में आया, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था। चलो अब देखते हैं आगे क्या है। आगे दे रखे हैं बच्चों शब्द अर्थ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको इनके मीनिंग्स पता होने चाहिए। तो ये सारे के सारे आपको याद करने हैं। पहला है राजसभा, इसका मतलब होता है राजा के मंत्रियों की सभा। दूसरा है सभासद, यानी सभा का सदस्य। विराजमान, ये तो मैंने बताया था आपको, बैठा हुआ। द्वारपाल, यानी द्वार का रक्षक, दरबान। मध्य, बीच। बंगले झांकना, यानी उत्तर ना सूझना, ठीक है? कानाफूसी, कानाफूसी का मतलब होता है कान में धीरे से कही हुई बात। अनुमति, अनुमति यानी कि स्वीकृति। संदेह, संदेह यानी कि शक। ठहाका लगाना, यानी जोर से हंसना। दुम यानी कि पूंछ। यकीन यानी कि भरोसा। पेट पकड़कर हंसना, पेट पकड़कर हंसना यानी बहुत हंसना। लाजवाब यानी बेजोड़। मुंह बंद करना यानी कुछ बोलने लायक ना रहने दे। स्वर्ण, स्वर्ण यानी स्वर्ण मोहरे यानी सोने का सिक्का। तो ये सारे के सारे शब्द अर्थ हैं, आपको याद करने हैं, आपको आने चाहिए ये सारे, क्योंकि जब हमें शब्द का अर्थ ही नहीं पता होता तब हमें क्वेश्चन समझ ही नहीं आता। बिना क्वेश्चन समझे हम आंसर नहीं ले सकते, है ना? अब है प्रश्नों के उत्तर, क्योंकि चैप्टर अभी अभी हमने रीड किया है तो हम बड़ी आसानी से प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। पहला प्रश्न है कि राज्यसभा में कौन आने की आज्ञा चाहते थे? तो इसका आंसर होगा राज्यसभा में तीन अतिथि आने की आज्ञा चाहते, ठीक है? दूसरा प्रश्न है वे अतिथि राज्यसभा में क्यों आए थे? तो वे अतिथि राज्यसभा में राज्यसभा के विद्वानों से तीन प्रश्न पूछने आए थे, ठीक है? तो वे अतिथि राज्यसभा में राज्यसभा के विद्वानों से तीन प्रश्न पूछने आए थे। इसके बाद है तीनों अतिथियों के प्रश्न क्या थे? तो पहले अतिथि का प्रश्न था कि पृथ्वी का मध्य क्या है, दूसरे अतिथि का प्रश्न था कि आकाश में कितने तारे हैं, और तीसरे अतिथि का प्रश्न था कि उसकी दाढ़ी में कितने बाल। राज पंडित ने प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कितना समय मांगा? तो राज पंडित ने प्रश्नों के उत्तर देने के लिए एक दिन का समय मांगा। राजा ने राज पंडित के पुत्र को क्या इनाम दिया? राजा ने राज पंडित के पुत्र को अपने गले में पड़ी हुई मोतियों की माला दी, ठीक है? तो ये सारे मौखिक हो गए। इसके बाद लिखित, लिखित में देखिए क्या लिखा है। राज पंडित प्रश्नों के उत्तर क्यों ना दे पाए थे, ठीक है? तो इसका आंसर होगा कि राज पंडित प्रश्नों के उत्तर इसलिए नहीं दे पाए क्योंकि जो प्रश्न थे उनके उत्तर जानना किसी के लिए भी संभव नहीं है, ठीक है? तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि राज पंडित प्रश्नों के उत्तर इसलिए नहीं दे पाए, इसलिए नहीं दे पाए नहीं
दे पाए। क्योंकि क्योंकि उन प्रश्नों के उन प्रश्नों के उत्तर उत्तर किसी के लिए भी देना संभव नहीं था, क्योंकि उन प्रश्नों के उत्तर किसी के लिए भी किसी के लिए भी या उन प्रश्नों के उत्तर संभव नहीं थे, ऐसे लिख सकते हैं ना, क्योंकि उन प्रश्नों के उत्तर संभव नहीं थे, संभव नहीं थे। इसके बाद अगले दिन राज दरबार में प्रश्नों के उत्तर कौन देने आया? तो इसका आंसर होगा अगले दिन, देखो ये तो क्वेश्चन का ही पार्ट है, मैं कॉपी नहीं कर रहा। अगले दिन राज्यसभा में प्रश्नों के उत्तर देने, इसके बाद में लिख देता हूं, देने राज पंडित का पुत्र राज पंडित का पुत्र अपने गधे के साथ अपने गधे के साथ है। अगले दिन राज दरबार में प्रश्नों के उत्तर देने राज पंडित का पुत्र अपने गधे के साथ आया। ठीक है, इसके बाद है प्रश्नों के उत्तर का अतिथियों पर क्या असर हुआ? तो प्रश्नों के उत्तरों का अतिथियों पर अनुकूल असर हुआ और उन्होंने माना कि इन प्रश्नों के उत्तर संभव नहीं थे और वह राज्यसभा से चलेंगे। ठीक है, तो आप क्वेश्चन में ऐसे लिखेंगे प्रश्नों के उत्तर का अतिथियों पर तक, और पर के बाद से फिर मैं लिख रहा हूं पर अनुकूल असर हुआ, अनुकूल मतलब जैसा होना चाहिए वैसे ही है ना, अनुकूल अनुकूल असर हुआ। अनुकूल असर हुआ और वह मान गए, वह मान गए, मान गए कि इन प्रश्नों के सही उत्तर संभव नहीं है। ठीक है, प्रश्नों के सही उत्तर संभव नहीं है। ठीक है, तो प्रश्नों के सही उत्तर संभव
नहीं ठीक है। तो इसके आगे देखते हैं बच्चों और क्या क्या दे रखे हैं। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है, राजा ने राज पंडित के पुत्र को इनाम में क्या दिया। तो जैसे कि आपको पता ही है, आप लिखेंगे राजा ने राज पंडित के पुत्र को इनाम, इसके आगे मैं लिख देता हूँ ठीक है। आपने लिखना पूरा यही, राजा ने राज पंडित के पुत्र को इनाम में। तो जो प्रश्न से लिखना है वो मैं नहीं कॉपी करता, वो आप प्रश्न से कॉपी कर लेना ठीक है। राजा ने राज पंडित के पुत्र को इनाम में, इनाम के बाद मैं, अपने गले में, अपने गले में पड़ी अपने गले में पड़ी मोतियों की माला, मोतियों की माला, मोतियों की माला पहनकर माला दी। ठीक है, तो वैसे तो राजपुत्र को भी यही मिला था, लेकिन उसने चालाकी से अपने गधे के नाम पे भी सोने की मोहर ले ली थी, है ना। तो आप इसमें ये भी दे सकते हैं कि और उसके गधे को और उसके गधे को सोने की मोहरें, सोने की ठीक है, सोने की मोहरें, सोने की मोहरें कितनी मोहरें दी थी, ऊपर पीछे जाके देखना पड़ेगा, चलो देख लेते हैं। सोने की मोहरें कहाँ है, गधे गधे को स्वर्ण मोहरों की 20 बोरी से ला दी। अच्छा, स्वर्ण मोहरों की बोरी, ठीक है, तो ये आ जाएगा आंसर इसका। ठीक है, तो ये हो गया। और उसके गधे को सोने की मोहरें, सोने के मोहरों की बोरी, अच्छा सोनों के मोहरों, सोने की मोहरों, सोने की मोहरें, मोहरें ना करके मोहरों करना पड़ेगा ना, सोने की मोहरों की बोरी से लाद दिया, की बोरी बोरी से लाद दिया, लाद दिया। तो आंसर हो जाएगा, राजा ने राज पंडित के पुत्र को इनाम में अपने गले में, मैं तो लिखाई गले में, यहाँ लिख गले में पड़ी मोतियों की माला दी, और उसके गधे को सोने की मोहरों की बोरी से लाद दी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं आगे क्या है। तो बच्चों आगे लिखा है, अतिथि और राज पंडित के पुत्र के बारे में बताने वाले सही शब्द चुनकर लिखिए। तो हमें बताना है एक तो अतिथि के बारे में और एक बताना है राज पंडित के पुत्र के बारे में। तो चतुर, कौन है, राज पंडित। दूत, कौन है, अतिथि। बुद्धिमान, कौन है, राज पंडित। निडर कौन है, राज पंडित ठीक है। और डरपोक कौन है, अतिथि। तो इस तरीके से आप इसमें फाइंड कर सकते हैं।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसने कहा, किसी से कहा, आपके राज पंडित बहुत बुद्धिमान ज्ञानी और विद्वान पंडित हैं। किसने कहा, किसने कहा, यानी अतिथि, किससे कहा, राजा से कहा। दादा उत्तर देने के लिए तैयार है, तो राज पंडित के पुत्र ने कहा, किससे कहा, राजा से कहा। और यह बताइए कि मेरी जारी में कितने बाल हैं। तो यह प्रश्न तीसरे अतिथि ने पूछा राजपंडित से, ठीक है, या फिर यह प्रश्न राजपंडित से पूछा गया। तो यह बताइए कि मेरी दाढ़ी में कितने बाल हैं। तो इसके जवाब में देखो, राजपंडित से भी पूछा गया था ये बात, तो या तो आप ये भी लिख सकते हो कि यह प्रश्न तीसरे अतिथि ने राजपंडित से पूछा, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि यह प्रश्न तीसरे अतिथि ने राजपंडित के पुत्र से पूछा। भाई वाह, क्या लाजवाब उत्तर दिए हैं तुमने। तो ये राजा ने कहा, किससे कहा, राजपंडित के पुत्र से कहा, है ना। इनके स्त्रीलिंग शब्द लिखो, महाराज का क्या होगा, महारानी, लिख दीजिए महारानी, महारानी, ये महारानी। दूसरा क्या, पंडित, पंडिताइन, फिर जगह पंडित तायन, तायन, पंडिताइन, विद्वान, विद्वान का क्या होगा, विद्वान का होगा, विद्वान, विद्वान का क्या होगा, विद्वान का, विद्वान, तो विद्वान का तो मुझे भी याद नहीं आ रहा है, विद्वान का क्या क्या बोलेंगे। वैसे मेरे एक स्टूडेंट का नाम है, उसका मतलब यही होता है, लेकिन मेरे स्टूडेंट का नाम ही मुझे याद नहीं आ रहा अभी। चलो अच्छा देखते हैं, चलो कुछ याद आएगा तो मैं बताऊंगा। ऐसे युवक का हो जाएगा युवती, तो हो जाएगा युवर और ती, युवती। पुत्र का हो जाएगा पुत्री, तो पुत्री, ठीक है, पुत्री। गधा का हो जाएगा गधी, तो विद्वान का क्या होगा, ये बच्चों मैं आपको बाद में देख के ना कहीं से पता करके इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में डाल दूँ, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे है कि या की लिखकर रिक्त स्थान भरिए। आप जानते हैं कि मैं झूठ नहीं बोलता, सही लिखा हुआ ये, तो ये राइट है, इसको कुछ नहीं करते, राइट ही कर देते हैं। पिताजी ने कहा कि वे कहानियों की किताब लाए हैं। ये देखो, तो इसमें जो दूसरा वाला है वो गलत है, ये गलत है, इसमें बड़ी गुणवत्ता लगेगी, समझ आया, ये ठीक है। आज से श्रुति की परीक्षा शुरू है, तो यहाँ भी बड़ी की आई है, ओके ठीक। आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे लिखा है, आशिमा की माताजी कह रही थी कि वे भैया की, देखो यहाँ पे बड़ी की मात्रा है, पहले वाले दो की सही है, लास्ट वाला गलत है, तो यहाँ पे बड़ी की लगाते हैं, इसमें छोटी की लगाइए, ये सही है, ठीक है, इसमें भी छोटी की लगाइए, ये भी सही है, क्लियर हो गया। आगे देखते हैं, आगे क्या है, पढ़िए और समझिए। भैया छवि कह रही है कि वह आज स्कूल जाएगी, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, आप अकेले ही चले जाइए। इन वाक्यों में वह उसकी शब्द छवि के लिए तथा आप शब्द भैया के लिए आया है। छवि और भैया संज्ञा शब्द हैं, इनके स्थान पर आने वाले शब्द वह, उसकी और आप सर्वनाम शब्द हैं, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो ये डेफिनेशन है।
रट लो, ठीक है, अच्छे से याद कर लो, एग्जाम में आने वाली है, ठीक है। और इसके एक दो तो एग्जाम्पल भी याद करने पड़ेंगे, इसलिए पूरा का पूरा ही याद करने वाला पोर्शन है, ठीक है। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, वह, यह, तुम, उस, उन, आप, कौन आदि, ठीक है। तो ये याद करना है आपको, ये पूरा का पूरा जो रेक्टेंगल मैंने बनाया है, इसके आगे देखते हैं आगे क्या है। सर्वनाम शब्दों के नीचे रेखा खींचिए, इसका नाम प्रत्युषा है, यह, तो यह क्या एक सर्वनाम है, तो मेरी, मेरी कक्षा, ये भी ठीक है, मेरी भी वो ये सर्वनाम, कक्षा में पढ़ती है, इसके, ये भी, पिताजी डॉक्टर हैं, वे, ये भी सर्वनाम है, सरकारी अस्पताल में काम करते हैं, उन्हें, उनके कार्य के लिए सम्मानित किया जा रहा है, ठीक है। ये सारे सर्वनाम पे हमने लाइन ड्रॉ कर दी। इसके आगे क्या है, उनके शब्दों के लिए एक शब्द को रेखा खींचकर मिलाइए, अच्छा सॉरी उनके नहीं था, अनेक था, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को रेखा खींचकर मिलाइए। चलो तो मिला देते हैं, ये तो वेरी सिंपल थिंग लिखा है, जो द्वार का रक्षक हो, द्वारपाल, जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो, अतिथि, ठीक है, जो किसी सभा का सदस्य हो, सभासद, कान में धीरे से कही जाने वाली बात, कानाफूसी, व्यक्ति के गले से उत्पन्न ध्वनि, स्वर, लो ये भी हो गया, आसानी था। आगे देखते हैं, आगे लिखा है वाक्य बनाइए, हार, हार जाना, हार माला, तो इसमें कोई भी बना दो, जैसे क्या लिखेंगे आप, हार जाना, ठीक है, तो इसमें आप लिख सकते हैं हिंदुस्तान, और पाकिस्तान में हिंदुस्तान हार जाता है अधिकतर मैचों में, है ना, ऐसे लिख सकते हैं। इसको आप लिखिए, क्या लिखेंगे, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के क्रिकेट मैच में पाकिस्तान हार जाता है, अधिकांश, अधिकांश पाकिस्तान हार जाता है, ठीक है, या युद्ध में कर दो, युद्ध, युद्ध में कर दो, ठीक है, भारत पाकिस्तान के युद्ध में पाकिस्तान हार जाता है, ये ठीक है, भारत पाकिस्तान भारत पाकिस्तान युद्ध में, भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान हार जाता है, तो पाकिस्तान हार जाता है, और जाता है, ठीक है, जाता है, यानी करता है, ठीक है, हार यानी कि माला, तो राजा ने अपना हार पुरस्कार में दिया, ठीक है, अपना हार युवक को दिया, युवक युवक को दिया, बाल यानी बालक और बाल यानी केश, तो
बाल 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 यानी कि बालक। मैं अभी बाल हूं, ठीक अभी बाल, उनके बाल बच्चे। दादाजी ने पिताजी से बाल बच्चों का हाल पूछा। ऐसे ऐसे ठीक है। तो बड़े भाई ने छोटे भाई से उसके बाल बच्चों का हाल पूछा। ये लिखते हैं, बड़े भाई ने छोटे भाई से बाल बच्चों का हाल पूछा। बाल बच्चों का हाल पूछा, ठीक है। बाल बच्चों का हाल पूछा, ये पूरी लाइन नहीं आएगी, ये बीच में फिर ब्रेक होगी। बाल अलग आएगा और बच्चों अलग आएगा, ठीक है। बाल बच्चों का हाल पूछा, आगे आने ठीक है। हाल पूछा 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 जो पूछा बाल यानी मैं अपने बाल छोटे छोटे कटवाता हूँ, कटिंग कराते हैं ना हम लोग, तो ये लगता है कि मैं अपने बाल छोटे रखता हूँ। मैं अपने बाल छोटे रखता हूँ, रखता हूँ, ठीक होगा। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे लिखा है, नाटक का कौन सा अंश पढ़कर तुम्हें सबसे अधिक हंसी आई, क्यों? तो ये क्रिएटिव राइटिंग, तो ये क्रिएटिव राइटिंग में आपका जो दिल करे आप लिख सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद इस नाटक का कक्षा में अभिनय कीजिए, इस नाटक को कहानी के रूप में सुनाइए, कुछ चुटकुले लिखिए, चित्र बनाइए और कक्षा में दीवार पर लगाइए। तो ये सारी एक्टिविटी हैं। अगर मैम बोलती हैं तो आप कर लेना, नहीं बोलती हैं तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा चैप्टर हो गया फिनिश, मेरा काम हुआ खत्म, आपका काम हुआ शुरू। अब तो आप इस वीडियो को दो चार बार अच्छे से देखो, दो चार बार अच्छे से देखोगे तो ये सारी की सारी जो कहानी है, लाजवाब उत्तर आपके दिमाग में एकदम सेट हो जाएगी, ठीक है ना। जैसे हम बार बार कोई पिक्चर देखते हैं या सीरियल देखते हैं तो हमें सब याद हो जाता है ना, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उसके सारे कैरेक्टर बच्चों को याद है कि टप्पू कौन है और गोली कौन है और गोगी कौन है, ठीक है। ठीक उसी तरीके से अगर हम इसे भी बार बार देखेंगे तो हमें सारे कैरेक्टर्स याद हो जाएंगे कि राजा कौन है और युवक कौन है और राज पंडित कौन है और किसने किससे क्या कहा और किसने किससे क्या सुना। उसके बाद फिर हम बड़ी आसानी से हर सवाल का जवाब दे पाएंगे, ठीक है बच्चों। तो अच्छे से करो, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो डायरेक्ट मुझे व्हाट्सएप करो, ठीक है। मैं हमेशा हर बच्चे की हेल्प के लिए तैयार हूँ, ठीक है। तो डोंट हेजिटेट टू आस्क मी एनी हेल्प, ठीक है। माई नंबर, मेरा नंबर से मैं अक्सर देता रहता हूँ, जिसके पास नहीं है वो लिख ले, 99 71 21 75 60, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ो,
अपना भी नाम रोशन करो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, साथ में सर का नाम भी रोशन करो, सर के चैनल का नाम भी रोशन करो, ठीक है? बस रोशन रोशन रोशन। ओके, थैंक यू वेरी मच।